हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबी हसन और आप देख रहे हैं अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल की नई पेशकश। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कुवैत ट्रैफिक सिंबल के बारे में। जी हां, कुवैत ट्रैफिक सिंबल, बस आपका एक पेज और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। तो अगर इस पेज को आप लोगों ने रीड कर लिया और समझ गए, तो कुवैत में अगर आप ड्राइवर्स की जॉब कर रहे हैं और मुखालफे वगैरह से परेशान हैं, या आपको बहुत सिंबल के बारे में जानकारी नहीं होती है और इस तरीके से देखा जाए तो मुखालफा वगैरह भी आ जाता है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा इन फ्यूचर अगर कुवैत में कोई भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जॉब के पर्पस से ड्राइवर्स की लाइन में आना चाहता है, तो कुवैत ड्राइविंग टेस्ट उसको पास करना पड़ता है। कुवैत ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करें जिनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे दो लैंग्वेजों का सवाल होता है, तो उनके लिए भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के लोगों पर जाएंगे, कुवैत ड्राइवर्स की प्लेलिस्ट में आपको 40-42 वीडियो ड्राइवर लाइन की मिलने वाली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी आपको। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि सिर्फ एक पेज, जी हाँ, एक पेज से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन कुवैत ट्रैफिक सिंबल के बारे में मिल जाएगी। और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत में कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पे आपको ये सिंबल के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, उसके डिस्क्रिप्शन में कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कुवैत की अथराइज गवर्नमेंटेड वेबसाइट का एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी कुवैत ड्राइविंग टेस्ट को पास करने का सिस्टम आप देख सकते हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा यहाँ पर हम आपको सिंबल के बारे में जानकारी देंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। अगर 2-3 बार आप देख लिए इस वीडियो को, तो कोई भी वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और 2-3 बार देख लेते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको सारे कुवैत ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पूछे गए सवालों के सारे सिंबल इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और जो स्क्रीन पर आपको सिंबल दिखलाया जा रहा है, इसको बोलते हैं क्रू टू लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट के तरफ मुड़ा हुआ है और लहरा करके इसका निशान है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कुवैत ड्राइविंग टेस्ट के दौरान दो लैंग्वेज में सवाल पूछे जाते हैं, एक अरबिक और एक इंग्लिश। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है और किस तरीके से जो अंग्रेजी नहीं जानते वो ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करेंगे। और आपको चैनल के लोगों पर क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, और आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो कुवैत ड्राइवर्स की सारी लिस्टें आपको मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश में आपको सिर्फ क्रू टू लेफ्ट के बारे में ही टिक करना है, और ये आंसर आप याद कर लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से शो हो रहा है। इसके बाद दूसरा सिंबल आपको दिखलाया जो जा रहा है, सेम आपको यही सिंबल कुवैत में हर एक सड़क पर मिलने वाला है, और एग्ज़ाम के दौरान भी यही चीज़ मिलेगा, सेम कलर और सेम सब कुछ मिलेगा। और इसे बोलते हैं क्रू टू राइट, क्योंकि ये दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे क्रू टू राइट, क्योंकि अभी आपने जाना क्रू टू लेफ्ट और ये क्रू टू राइट, तो यानी इसका आंसर आपको टिक करना है क्रू टू राइट। अब इसके अलावा अगले सिंबल को आप ज़रा गौर से देखिए, इसमें हरा बैकग्राउंड है और वाइट पट्टी लगी हुई है, इसको बोलते हैं मोटरवे। जी हाँ, जहाँ पर मोटरवे का ऑप्शन हो वहाँ पर आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसे, इस सिंबल को बोलते हैं मोटरवे। इसके अलावा सेम सिंबल पर अगर ये लाल कलर का क्रॉस बना हो, यानी कि ये मोटरवे का एक सिंबल था और इस पे लाल पट्टी यानी कि क्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एंड ऑफ मोटरवे पर आप टिक करेंगे, जो भी ऑप्शन आ रहा है इसको बोलते हैं एंड ऑफ मोटरवे।
इसके अलावा इस सिंबल को आप जरा गौर से देखिए, अगर ये सर्किल बना हुआ है और बीच में एक्स यानी कि इस तरीके से जो देख रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे नो स्टॉम्पिंग और पार्किंग। यहाँ पर आप गाड़ी ना रोक सकते हैं और ना ही गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, यानी कि आप एक दो मिनट के लिए भी गाड़ी को नहीं रोक सकते। कुवैत देश में अगर ड्राइविंग करते हैं और अगर यह करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सिंबल को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। इस सिंबल के तहत नो स्टॉम्पिंग और पार्किंग का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अलावा जो सिंबल आपको शो हो रहा है, इसको बोलेंगे लेफ्ट टर्न। जी हाँ, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। ज़्यादातर ये सवाल आपको लिखने के टिक करने के काम नहीं आएगा, जब आप ड्राइविंग टेस्ट दौरान आप जब सड़कों पर मुड़ेंगे, मोड़ने के लिए सिस्टम होगा, तो वहाँ पर ये सिंबल आपको बोर्ड में नज़र आएगा, तो देख सकते हैं और उसी हिसाब से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। और अगर आपने गलत टर्न लिया तो आप कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट में तो पास हो जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। और इसको राइट टर्न कहेंगे, यानी कि राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, इसे हम बोलेंगे राइट टर्न। ये सिंबल आप याद कर लीजिए। इसके अलावा आपके सामने जो इस तरीके का शो हो रहा है, आप सीधे भी जा सकते हैं और आप लेफ्ट टर्न भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो सिंबल आपको स्क्रीन पर दिखलाया जा रहा है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट में सेम क्वेश्चंस आने वाला है, इसको बोलेंगे नो लेफ्ट टर्न। और सेम पोजीशन सेम सिंबल के तहत जो राइट साइड में मुड़ा होगा उसको बोलेंगे नो राइट टर्न। इसके अलावा इस सिंबल को ज़रा गौर से देखिए, इस सिंबल पर यू बना हुआ है और बीच में क्रॉस है, यहाँ पर ऑप्शन आप चूज़ करेंगे नो यू टर्न। जी हाँ, आप यू टर्न नहीं ले सकते। और इसके अलावा ये क्रॉस अगर नहीं रहेगा तो आपका होगा यू टर्न, यानी कि आप गाड़ी को यू टर्न में ले सकते हैं। और इसका जो सिंबल शो हो रहा है, इसका सेम आंसर है नो यू टर्न। इसके अलावा ये सिंबल स्टॉप का है और आपको पता है। और इसके अलावा अगला जो सिंबल है वो सिंबल है नो एंट्री का। जी हाँ, अगर आपको इस तरीके से रेड का पूरा गोला दिखे और बीच में सफ़ेद पट्टी लगी रहे, तो उस तरफ आपको अपनी कार को अपनी गाड़ी को नहीं ले जाना है, क्योंकि वो नो एंट्री जोन है और उसमें एंट्री करने पर आपको पेनल्टी मुखालफा भी देना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में नो एंट्री को ख़ास कर याद रखिए, रेड कलर का आपका सर्किल होगा और बीच में सफेद पट्टी होगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा ये सिंबल को बोलेंगे टू वे ट्रैफिक। जी हाँ, एक तीर ऊपर और एक तीर अगर नीचे को जा रहा है और त्रिभुज वाला सिंबल आपको दिख रहा है, तो आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जिस पे लिखा होगा टू वे ट्रैफिक। अब इस सिंबल को बोलेंगे रोड नैरो। जी हाँ, ये रोड जो है आगे जाकर के सिकुड़ी हुई है, यानी कि छोटी हो गई है, चौड़ाई उसकी कम हो गई है, तो अगर ऐसा सिंबल दिखता है तो आप रोड नैरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इस सिंबल को बोलते हैं प्रोसीड विथ केयर। जी हाँ, अगर आपको त्रिभुज में बीच में काले लाइन के नीचे एक बिंदी नज़र आए, तो समझ जाइए कि ये प्रोसीड विथ केयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा अगर त्रिभुज में पूरा पीला कलर आपको कहीं भी दिखलाई दे, बोर्ड चाहे आपको सड़क पर चाहे आपको कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट के दौरान, उसको बोलेंगे गिव वे, गिव वे। इसके अलावा जो अगला सिंबल है, अगर आपको ये त्रिभुज में जेड बना दिखाई दे, तो इसको बोलेंगे डेंजर जोन, यानी कि डेंजर है सिस्टम, आपको डेंजर रोड पर क्लिक करना है, डेंजर रोड वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा अगर आपके सामने इस तरीके से कोई पैदल चलता हुआ आदमी दिखाई दे, तो समझ जाओ कि भाई पेडेस्ट्रियन अहेड, यानी कि आगे पैदल चलने वालों के लिए लाइन अलग से बनी हुई है। इसके अलावा अगर आपके सामने यानी कि इशारे पे, यहाँ पे सिग्नल जो होता है उसको यहाँ पे इशारा बोलते हैं, अगर इशारे पे आपको इस तरीके से बोर्ड दिखाई दे और बोर्ड में हरे कलर की पट्टी और आदमी चलता हुआ नज़र आए, तो समझ जाइए कि आपको गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है, यहां पर पैदल यात्रियों के लिए सिस्टम खोला गया है, पैदल यात्री क्रॉस कर रहे हैं। जब वो ऑफ हो जाएगी, आपकी ग्रीन होगी, तब आप वहां पे इशारे पर से अपनी गाड़ी को ड्राइव में आगे बढ़ाएंगे। और इस ऑप्शन को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन हैज द राइट वे। जी हां, आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेडेस्ट्रियन हैज द राइट वे।
इसके अलावा इस सिंबल को जरा गौर से देखिए, अगर आपको ये रेड कलर का गोल निशान बना हो बीच में इस तरीके से अगल बगल लेफ्ट एंड राइट साइड में काली पट्टी हो तो इसे बोलते हैं विदिट लिमिट। जी हाँ, विदिट लिमिट। और यही अगर ऊपर नीचे हो तो उसको बोलेंगे हाई लिमिट। यानी कि अगर आपको हाई लिमिट में गाड़ी चलाना है तो यहाँ पर लिखा होगा हाई लिमिट, यानी कि आगे आप हाई लिमिट में गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, और अगल बगल होगा तो विदिट लिमिट का ऑप्शन होगा। इसके अलावा ये जो सिंबल आपको रेड सर्किल में दिख रहा है, दो कार अगल बगल है, इस तरह का सिंबल दिखाई दे तो इस पर आप टिक करेंगे नो पासिंग वाले ऑप्शन पर। जी हाँ, नो पासिंग। इसके अलावा ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे बम्पी रोड, यानी कि रोड पर जो ब्रेकर होते हैं जिन पर गाड़ी उछलती है उसको बोलते हैं बम्पी रोड। बम्पी रोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर ये ट्रक बनी हो और सर्किल में बीच में क्रॉस हो तो वो ऑप्शन चूज करेंगे नो ट्रक का। जी हां, नो ट्रक वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये टी बना नजर आए तो ये दरअसल कोई हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं ना, ये टी का मतलब होता है नो थ्रो रोड, यानी कि नो थ्रो रोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा ये बोलते हैं इस सिंबल को प्रोसीड विद केयर। जी हां, प्रोसीड विद केयर, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा जो अगला सिंबल आपको दिखलाया जा रहा है, ये सिंबल को बोलते हैं राउंड अबाउट। तो आप जो है राउंड अबाउट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। राउंड अबाउट का मतलब ये हो गया कि एक तरीके का चौराहा, उसको राउंड अबाउट वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे। इसके अलावा ये जो सिंबल आपको दिखलाया जा रहा है, इस सिंबल को बोलते हैं ट्रैफिक फ्रॉम लेफ्ट। जी हाँ, लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रही है। अगर इस तरह का सिंबल आपको दिखता है तो आप ट्रैफिक फ्रॉम लेफ्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके अलावा अगर ये राइट साइड में कटा हुआ जो आपको ब्लैक कलर का लग रहा है, इसमें आप चूज करेंगे ऑप्शन ट्रैफिक फ्रॉम द राइट। जी हाँ, ट्रैफिक फ्रॉम द राइट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे इस तरह के सिंबल को। और इसके अलावा आपको ये ट्रेन की पटरी के टाइप का काला काला और बीच में सफ़ेद पट्टी दिखे तो ये ऑप्शन दरअसल इंग्लिश में लिख करके बड़ा लंबा आता है, लेकिन आपको शॉर्टकट में बस इतना समझना है कि ब्रोकन लाइन वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। वैसे तो उस पर लिखा रहेगा कि पासिंग परमिटेड फॉर साइड विद ब्रोकन, तो जो ब्रोकन का आपका लास्ट वाला ऑप्शन होगा बस उसी को चूज कर लीजिएगा। ये ब्रोकन लाइन का सिंबल है। इसके अलावा ये जो सिंबल आपको दिखलाया जा रहा है, ये सिंबल का आंसर जो है और इसको जो बोलते हैं थोड़ा लंबा है, लेकिन इस ऑप्शन को आप चूज करने से पहले हैजर्ड अहेड वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिएगा। वैसे इसको पूरा जो आंसर है इसका, आल ट्रिंगल वांस अस टू टेक क्वेश्चन एडवाइस अस ऑन द हैजर्ड अहेड, यानी कि जो ऑप्शन हैजर्ड अहेड का आए बस उसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अलावा इस सिंबल को बोलते हैं ऑल रेड सर्किल्स सोल्ड, रेड सर्किल्स मींस प्रोविटेड, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आप याद रखिए प्रोविटेड, यानी कि अगर रेड आपको सर्किल नज़र आए इस तरह का सिंबल तो प्रोविटेड वाले ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। इसके अलावा ये सिंबल को आप लोग जान ही रहे हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। इसके अलावा अगला जो आपको स्क्रीन पर सिंबल शो हो रहा है, तीन पट्टियां आपको सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये ऑप्शन को बोलते हैं 300 मीटर एग्जिट रैंप। जी हाँ, आपके आने वाले आगे रोड पर 300 मीटर के बाद आप एग्जिट हो सकते हैं, मेन हाईवे रोड से एंट्री ले सकते हैं छोटी रोड पर। इसके अलावा अगर इसमें ऑप्शन आता है जैसे तीन पट्टी बनी हुई है उसी तरीके से दो पट्टी बनी रहेगी, 200 मीटर एग्जिट रैंप का ऑप्शन आप चूज करेंगे। अगर एक पट्टी बनी रहेगी तो 100 मीटर एग्जिट रैंप का ऑप्शन चूज करेंगे। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो तीन पट्टी के ही आते हैं, तो अगर तीन पट्टी आपको नज़र आए हरे कलर के बैकग्राउंड में वाइट कलर की पट्टी तो समझ जाइए कि 300 मीटर एग्जिट रैंप पर आपको क्लिक करना है। बस आपकी पट्टी तीन है तो 300, दो है तो 200 और एक है तो 100 मीटर एग्जिट रैंप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब इसके अलावा ये जो सिंबल आपको दिखलाया जा रहा है, आप समझ चुके होंगे ये नो पार्किंग का सिंबल है, लेकिन यहीं पर समझने की ज़रूरत है क्योंकि नो पार्किंग को यहाँ पर दो तरीके से ऑप्शन आते हैं, सवाल आते हैं और आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको पी कटा है तो नो पार्किंग है, और पी है क्रॉस नहीं है तो पार्किंग है। और अगर आपको ये काली और बीली
पीले कलर की, येलो कलर की और ब्लैक कलर की पट्टी वाली आपको रोड के किनारे डिवाइडर जो बना होता है वाले ऑप्शन वाले अगर सवाल आते हैं, इस तरह का सिंबल दिखता है, तो आप ऑप्शन चूज करेंगे नो पार्किंग का। जी हाँ, आपको इस तरह का सिंबल दिखता है जो शो हो रहा है, येलो कलर की पट्टी और ब्लैक कलर की पट्टी, तो ऑप्शन आप चूज करेंगे नो पार्किंग। और उधर पी अगर क्रॉस है तो नो पार्किंग वहां भी होगा और नो पार्किंग इस वाले सिंबल के भी ऑप्शन को आप चूज करेंगे। इसके अलावा इस तरह का सिंबल आपको दिखता है कि दो लाइनें सीधी जा रही हैं, एक लाइन पर क्रॉस है रेड कलर का, तो यानी कि समझ जाइए कि राइट लाइन क्लोज्ड, यानी कि आप उसी ऑप्शन को चूज करेंगे जहां पर लिखा होगा राइट लाइन क्लोज्ड। इसके अलावा ये हैंडीकैप का आपका ऑप्शन है, आप विकलांग वाले ऑप्शन पर अगर आपको इस तरह का कहीं भी बोर्ड दिखता है तो अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करें, नहीं तो मुखालफा और पेनाल्टी यानी कि आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर नो पार्किंग का सिस्टम देख रहे हैं या नो एंट्री का सिस्टम देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अपनी गाड़ी को ना ही वहाँ पर ले जाएं और ना ही वहाँ पर पार्क करें। इसके अलावा कुवैत ड्राइविंग रूल्स, कुवैत ड्राइविंग टेस्ट, कुवैत ड्राइविंग कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट कैसे पास करें और कुवैत ड्राइविंग कैसे करें, कुवैत में ड्राइवर्स की लाइन की करीबन 40-42 वीडियो पहले से अपलोड है, आप चैनल के लोगों पर क्लिक करिए, प्ले लिस्ट में जाइए कुवैत ड्राइवर लिस्ट में, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो को बनाया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का पूरा और सही तरीके से जरूर जवाब दूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।